बुखारी जी, टीएसओ, हाय हाय, टीएसओ, हाय, टीएसओ सर, हाय हाय। जेडी बीजेपी सरकार आज बड़े बड़े दावे करा रही है, बड़े बड़े स्लोगन दे रही है, नारे ला रही है, गरीबी हटाओ। मैं अपना एक कार्यक्रम चलना है, आज सारे लोग इतों का रैली दी शक्ल। जेडी बीजेपी सरकार आज बड़े बड़े दावे करा रही है, बड़े बड़े स्लोगन दे रही है, नारे ला रही है, गरीबी हटाओ। मैं अपना एक मजम्मत करने और आदरणीय एल जी साहब मनोज सिन्हा के और फूड सप्लाई के डायरेक्टर ने उनके अस रिक्वेस्ट करने फिलहाल पहली स्टेज पर सू सब आखिर की बीजेपी सरकार अभी बड़े बड़े दावे करा रही है, बड़े बड़े स्लोगन दे रही है, नारे ला रही है, गरीबी हटाओ। राशन नहीं दे पा अपने गरीब गुरबा लोगे की, मेरे पाशविंदा इलाके की जिथे की रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जो दूर दराज का इलाका है, जिथे फसल भी एल जी साहब मनोज सिन्हा के और फूड सप्लाई के डायरेक्टर ने उनके अस रिक्वेस्ट करने फिलहाल पहली स्टेज के उपर और गुहार लगाने सरकार के उपर कि जल्दी जल्दी इन्हें राशन दिता जा ताकि लोगों की मुश्किल के काम किए जा। आज का जो प्रोटेस्ट है ये हमारे उन लोगों के लिए है, ये मेरी उस तहसील के लिए है, ये बड़ी पाशमानदार तहसील है, तहसील खराबली। मेरे खराबली के तहसील के लोगों को काफ़ी अरसा से राशन मुहैया नहीं कराया जा रहा, जनवरी महीने का राशन वितरित नहीं हो पाया। पहले भी जब वहां पर जाते हैं वो ना वो टीएसओ वहां पर मिलता है, ना कोई इंतज़ामिया वहां पर मिलता है। लोग त्राए त्राए राशन के बारे में यहाँ पर मारे मारे हर दफ्तर दफ्तर फिर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने एसडीएम साहब के आगे भी गुहार लगाई थी, एसडीएम साहब ने टीएसओ को बुलाकर वहाँ पर और वहाँ पर उसको ठीक ठाक झटकाया, लेकिन ये टीएसओ इतना मनमानी कर रहा है, ये किसी को मानता नहीं है। जब वो एसडीएम की नहीं बात मानेगा तो आम जनता की क्या बात मानेगा। उसने अभी तक खराबली के लोगों को, सैड पंचायत को और ठंडी चुई पंचायत को अभी तक वो राशन एक महीने का, दो महीने का नहीं मिला है। पहले भी ऐसे बहुत सारे अक्सर वाक्या यहाँ पर हुए हैं, जब इस खड़ा तहसील को, इस पशमानदा तहसील को, इस कंडी तहसील को राशन के बारे में बड़ी किल्लत आ रही है। और हमने संज्ञान लिया है, हमारी जम्मू कश्मीर पार्टी ने वहाँ पर संज्ञान लिया, हम मौका पर वहाँ पर गए हैं, ना कोई वहाँ पर चार्ट दिखाई देता है कि कितना राशन वितरित किया, ना कितना राशन हमारे स्टॉक में है। जब उसके पास जाया जाए, जब हम टीएसओ से हमारे लोग मिलते हैं, एक तो वो फ़ोन नहीं उठाता, दूसरा कहता है मैं किसी को नहीं मानता। हमने एक जिंदा मिसाल यहाँ पर पकड़ी है, हमने एसडीएम साहब से, मैंने खुद टेलीफोन किया बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू रूलर, मैंने तीन दफ़ा एसडीएम साहब से बात गुहार लगाई, उन्होंने उसको बुलाया, लेकिन उसके बाद भी वो मानमानी कर रहा है। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि मेरे खड़ावली के ये तीन चार जो पंचायतें हैं, इनको जल्दी से जल्दी राशन मुहैया जनवरी का दिया जाए, और पिछला भी जो इनका बकाया है, बकाया राशन है, जल्दी मुहैया कराया जाए, ताकि अगर ऐसा ना हुआ तो हम इसकी गुहार जो है वो एलजी साहब के आगे लगाएंगे, डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई के आगे धरना देंगे। हम चाहते हैं कि शीघ्र ही विद इन डेज हमारे लोगों को राशन मुहैया कराया जाए। इसके लिए हमारी जम्मू कश्मीर पार्टी, अपनी पार्टी के जितने भी यहाँ हमारे लोग हैं, हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक खोड़ के प्रेसिडेंट श्री विजय कुमार शर्मा जी, नेताजी, और बलवाल ब्लॉक के प्रेसिडेंट रविकांत शर्मा जी, और हमारे सूबा के जनरल सेक्रेटरी श्री गणेश दास शर्मा जी भी इस धरने में शामिल हैं। और हम ये बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा राशन वितरण जाए। इसके सिलसिला में मैं कंसर्निंग जो वहाँ के हमारे नुमाइंदे हैं वो आपको बताएंगे कि हमारे लिए क्या मुश्किलें आ रही है। श्री गणेश दास शर्मा जी,